हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा आर्टिकल 14। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आर्टिकल 15, सामाजिक समता। आर्टिकल 15 का जो मूल उद्देश्य है वो है समाज में समता स्थापित करना। आर्टिकल 15। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये फिल्म देखी होगी, और यदि किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है तो एक बार फिल्म को जरूर देखें। काफ़ी अच्छी फिल्म है। इस फिल्म के अंदर हमारे समाज में जाति को लेकर जो भेदभाव है, जो संकीर्णता है, उसको दिखाया गया है। तो आर्टिकल 15, सार्वजनिक स्थान पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, शब्द क्या है, सार्वजनिक स्थान, वो चाहे गवर्नमेंट की हो, वो चाहे आपकी किसी निजी व्यक्ति की हो, लेकिन अगर उस वस्तु, उस स्थान, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसका संबंध अगर आम जनता से है तो उसको क्या माना जाएगा, सार्वजनिक स्थान। जैसे कि दुकानें, होटल, गांव के कुएं, वाटर टैंक, नहाने के घाट, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल आदि, जिनकी स्थापना सार्वजनिक उपयोग के लिए हुई है, उन सब को यहाँ शामिल किया जाएगा। ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप महिला या पुरुष जो भी हैं, एक डूड स्टाइल में एक हीरो के माफिक अपने एक विशेष मित्र से मिलने गए, और आपने उसके घर का नॉक किया और बोला कि यहाँ मेरी एंट्री है। क्योंकि आर्टिकल 15 में मैंने पढ़ा है, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर आप मुझे अंदर आने से मना नहीं कर सकते। आपने उनको आर्टिकल 15 पढ़ाया, कुछ देर में फिर क्या हुआ, फिर वो आपको दूसरा आर्टिकल पढ़ाएंगे, उसका आउटकम कुछ ऐसा होगा, और फिर आप वहाँ जल्दी से निकल लेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस आर्टिकल 15 का गलत जगह पर इस्तेमाल किया। मैंने कहा था सार्वजनिक स्थान, किसी के घर में, जो किसी के घर निजी है, और किसी के निजी स्थान पर आप एंट्री नहीं कर सकते उसकी आज्ञा के बिना, क्योंकि वो निजी स्थान है। और घर जो होता है, घर हर एक व्यक्ति का अपने एक निजी स्थान होता है, वहाँ पर आप उसकी आज्ञा से ही एंट्री करेंगे, आर्टिकल 15 वहाँ काम नहीं करेगा। ये अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिक के लिए है। जैसे आर्टिकल 14 में मैंने बताया था, वहाँ व्यक्ति शब्द का उपयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पर नागरिक शब्द का उपयोग हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 15 का एम क्या है, सामाजिक समानता को स्थापित करना, परंतु उचित आधार पर भेदभाव की मनाही भी नहीं है। जैसे आप जानते हैं, स्कूल खत्म करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज, बीटेक कॉलेज, एक सामान्य कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और वीकर सेक्शन, इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण मिलता है उसका आधार क्या है, आर्टिकल 15। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारे समाज में समानता नहीं है। जो वर्ग पिछड़े हैं उनको उठाकर एक समान स्तर पर लाने के लिए ऐसा किया जाता है। साथ में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वीकर सेक्शन अभी हाल ही में संविधान का 124वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, जो कि EWS सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल 15। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में जरूर फीडबैक दें। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।